पंचकुला में एमडीसी सेक्टर 5 के सैलून में पुलिस वालों द्वारा लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस वालों पर कागजी कार्यवाही की जा रही है। एसएचओ रविकांत शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है और होमगार्ड जशन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन पंचकुला पुलिस ने कागजी कार्यवाही कर अपने साथियों को बचाने के लिए पहला कदम रख दिया है। पुलिस ने पीड़ित लड़की के जज के सामने बंद कमरे में बयान दर्ज करवाए। पुलिस का दावा है कि यहां लड़की अपने बयानों से मुकर गई। हालांकि सैलून में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में साफ दिख रहा है कि होमगार्ड जश्न लाल लड़की से पैसे भी ले रहा है और उससे जबरदस्ती भी कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जज के सामने बंद कमरे में लड़की के दिए गए गुप्त बयानों को पुलिस ने अपनी साफ छवि साफ दिखाने के लिए सार्वजनिक कर दिया है। साफ नजर आ रहा है कि पुलिस अपने कर्मियों को बचाने का प्रयास कर रही है। इस केस में सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इन सभी बातों की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी गई है। इसके बावजूद पुलिस कार्यवाही से पीछे हट रही है। पुलिस ने 164 के बयान करवाए और प्रेस नोट जारी कर कहा कि लड़की मुकर चुकी है। पुलिस का दावा है कि सीआरपीसी 164 के बयानों को दर्ज करवाने के दौरान लड़की ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है। उसने कहा कि जशनलाल के साथ उसके पारिवारिक रिश्ते हैं, जो रुपए वीडियो में दिख रहे हैं वह उसने अपने निजी काम के चलते दिए थे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।